नमस्कार दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जिस पे मैंने पिछले ही वीडियो में आपको वेरिएबल्स सप्लाई बनाना बताया था। अब यहाँ डीसीएम किस तरह से बनाते हैं वो देख लेते हैं। अभी यहाँ क्या है कि ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, इसमें बीच में एक सेंटर टेप होता है, मतलब एक इस तरह से मानिए आप 18018 का ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। मेरे पास रखा था, उसी से बनाया मैंने ये। तो इस पे ब्रिज रेक्टिफायर एक ही पेयर पे बनाया है मैंने, मतलब 18 और 0 पे बनाया। और इस पे किस किस तरह से हम बना सकते हैं सेंटर टेप पे, ये सिंगल सप्लाई यूज़ की है क्योंकि जो कई ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें दो ही वायर अगर होते हैं तो उन पे किस तरह से हम यूज़ करेंगे वो यहाँ दिखा दिया है। बाकी सेंटर टेप का भी हम किस तरह से करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैं इसे पहले चालू कर देता हूँ, ठीक है, और मल्टीमीटर को मैं 220 वोल्ट की रेंज में डाल देता हूँ। तो यहाँ आपको ये इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर से अभी दिखा रहा है क्योंकि जो बीच वाले हमारे सिरे होते हैं इसमें वो एसी के होते हैं और साइड से जो दोनों पॉइंट होते हैं वो डीसी के होते हैं। ये इधर प्लस है लेफ्ट में और इधर ये माइनस है राइट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसे और किस तरह से डीसी बना सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। अब यहाँ मैंने ब्रिज रेक्टिफायर हटा दिया है, जैसा कि ये था लगा हुआ था, ठीक है, इसे मैंने हटा दिया। इसकी जगह हम एक यूज़ करेंगे सिंगल अपना डायोड, ठीक है, ये सिंगल डायोड हम यूज़ कर लेंगे एक बार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ठीक है। इसे हम लगा के एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है कि मैंने एक सिरे पे ये डायोड लगा दिया, पॉजिटिव सिरा इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, और ये दूसरा वाला सेंटर टेप था उसे सीधे माइनस से जोड़ दिया है। इसे हम चालू करते हैं एक बार और देखते हैं मल्टीमीटर पे क्या हमें वोल्टेज मिलता है। ये वायर हट गया है, ठीक है, ये देख लिया हमने। तो हमें मैक्सिमम यहाँ से जो भी वोल्टेज मिल रहा है वो ये है। अब मैक्सिमम कितना जाएगा ये वो देख लेते हैं। तो हमें 9 वोल्ट कुछ मिल रहा है जबकि हमारा ट्रांसफार्मर इस टेपिंग पे आउट कर रहा है एसी में 20 वोल्ट। उसका हमें, क्योंकि आधा सर्कल ही इस पे साइकिल रेक्टिफाई हो रहा है उसकी वजह से हमें हाफ वोल्टेज मिल रहा है। तो इसको हम डबल कैसे करेंगे वो और देख लेते हैं एक बार। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस पे मैंने डायोड इस वाले सिरे पे भी लगा लिया है, ठीक है। तो इससे हमें मिल रहा है क्या हुआ, सॉरी, इस वायर को मैं अच्छे से थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ पहले, ये 2 बार छूट गया है पहले भी, ठीक है, अब हो गया ये। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि हमें यहाँ कितना मिल रहा है, 8.19 समथिंग, 9.4, ठीक है। और दूसरे वाले डायोड से हमें कितना मिल रहा है वो भी देख लेते हैं, 9.7, ठीक है। अब इन दोनों डायोड को अगर मिला के हम इन दोनों डायोड को अगर आपस में यहाँ पर मिला दें हम, ठीक है, और उसके बाद अगर हम चेक करें तो हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, 20 वोल्ट। मतलब कि एक साइकिल को एक डायोड रेक्टिफाई करेगा और दूसरे हाफ साइकिल को दूसरा डायोड रेक्टिफाई करेगा और हमें यहाँ पूरा वोल्टेज मिल जाएगा जितना ट्रांसफार्मर का निकल रहा है दोनों टेपिंग से। तो टोटल ये हमें एक ही टेपिंग के बराबर देगा क्योंकि दोनों साइकिल को इसने रेक्टिफाई किया है। तो ये फुल बेब होता है, इसमें दोनों बेब्स होती हैं, वो हाफ बेब था जो सबसे पहले बनाया था हमने। अगर मान लीजिए हम एक ही डायोड यूज़ करते तो हाफ बेब होता है और हमारा जो भी वोल्टेज आ रहा होगा उसका आधा वोल्टेज हमें यहाँ जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसका आधा वोल्टेज ही रेक्टिफाई होगा, वही मिलेगा हमें, ठीक है। और आप दोनों तरफ से देख सकते हैं ये इस तरह से। और अगर इन दोनों को हम मिला देंगे आपस में तो आप देखिए कि आपको 19 वोल्ट के समथिंग मिल जाएगा जो हमारा मैक्सिमम है वही। तो ये इस तरह से डायोड बनते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर का मैंने दिखाई दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो फुल वेव ये हो गया। फुल वेव के साथ ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो उस तरह से काम करता है। तो ये आपको दो तीन तरीके से मैंने बता दिया डीसी किस तरह से बनती है, हाफ वेव, फुल वेव और ये एक रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, 4 डायोड लगे होते हैं जो कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं आपस में, जो मैंने बताए थे इसमें से कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं आपस में, देख लीजिए। इसमें ये दोनों प्लस सिरे यहाँ बनेंगे और माइनस सिरे यहाँ बनेंगे, ट्रांसफार्मर के दोनों वायर एक यहाँ कनेक्ट होंगे, तो इधर से प्लस निकलेगा इधर से माइनस निकलेगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया।
और फुल वेव ये हो गया, दोनों डायोड जो हमने बताए थे आपको कि दो डायोड इसमें लगते हैं, तो दोनों डायोड देख लीजिए ये हैं। अगर इन्हें आपस में शॉर्ट करेंगे तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर हमने एसी साइड से किया इन्हीं तो आपके पास शॉर्ट सर्किट दिखेगा, लेकिन डीसी पे नहीं होता ये, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।